नमस्कार नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूँ रुचिका राज आपके साथ। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में आज सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम नीतीश तिलौथू के तुतला भवानी वाटरफॉल जाएंगे, साथ ही डेहरी के ITI कॉलेज परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। सीएम भैसई पंचायत में भी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सोन नदी के किनारे बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश रोहतास को विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। तो डेहरी में आज सीएम नीतीश कुमार का दौरा होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन भी लगातार चौकस से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। तुतला भवानी वाटरफॉल सीएम नीतीश कुमार जाएंगे और इसको लेकर के अधिकारियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। संभावित कार्यक्रम और अभी ऑफिशियली पत्र प्राप्त नहीं हुआ और यहाँ पे अभी उनका ग्राम भ्रमण है और उस विकास से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उसका शिलान्यास और उद्घाटन है। और साथ ही साथ जो रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, उसमें एक कार्यक्रम है सभी जो हमारे ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं वहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण कराना, जो युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के लिए सबसे एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, तो उसका यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन है। जातीय गणना और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के RGD ने एक दिवसीय धरना दिया। पटना में धरना में तेजस्वी सहित RGD के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना के दौरान तेजस्वी यादव ने BJP पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने साफ कहा कि BJP कभी आरक्षण नहीं देना चाहती है। तेजस्वी ने ये कहा कि BJP को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, सभी अपने अधिकारों को जानिए और उसके लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। साथ ही ये भी कहा कि वो इस लड़ाई को छोड़ने को तैयार नहीं है। पटना से दिल्ली हम लोग जाएंगे, हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। आरक्षण पर एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए RJD नेताओं ने जिला मुख्यालयों से लेकर पटना तक धरना दिया। इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। RJD के धरना प्रदर्शन पर NDA नेताओं ने पलटवार किया है। नौकरी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव की मांग और RJD के धरना पर BJP नेता और राज्य के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने तो पहले ही 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर दी है। तेजस्वी यादव बस आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर झूठी वाहवाही बटोरने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपील कर चुकी है और जहां तक जातीय जनगणना का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे, इसमें कहां दूंगे। RJD के धरने पर JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास जब पावर था और वे सरकार में थे, तब उन्होंने पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिया था, अब राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट का कुछ आदेश आया है, उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार में भी बात कर रहे हैं। अब पूरे मामले को समझिए। बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 65% कर दिया गया था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण को बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है।
जिस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र से भी बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने की मांग की है, लेकिन आरजेडी और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर मांग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए धरना दिया है, जिस पर सियासी माहौल गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरक्षण पर तेजस्वी के धरने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। वहीं एक बार फिर कहा कि दलितों की 18 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एससी एसटी रिजर्वेशन में एक बार फिर बंटवारे की मांग दोहराई है। हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिता जी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग, या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो सब याद आ रही है उनको, चेक करने का क्या जरूरत। चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर मान लीजिए लगातार। चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियां अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियां समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है, नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, एमएलए में, एमपी में, और चार जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं। 76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है? बड़ा भाई सब मेहमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं कि भाई बड़ा भाई है, तुम हमारा गोटिया बनो, तुम हमको हमारा सारा हिस्सा खा रहे हो, तुम छोड़ दो, हम भी आगे कुछ करेंगे। हम 18 आदमी हैं, 18 भाई हैं, अपना बांट चुट के खाएंगे। और सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी का आज से सदस्यता अभियान शुरू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे सदस्य, जेपी नड्डा दिलाएंगे पीएम को सदस्यता। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मिस्ड कॉल, नमो ऐप से बन सकते हैं सदस्य, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप मेंबर बन सकेंगे। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं सियासत से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी का आज से सदस्यता अभियान शुरू। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सदस्य बनेंगे, जेपी नड्डा सदस्यता दिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मिस्ड कॉल, नमो ऐप से बन सकते हैं सदस्य। पैरामेडिकल एसोसिएशन के धन्यवाद सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां गिनाई। मंगल पांडे ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री ने पैरामेडिकल छात्रों को भरोसा दिया कि एनडीए सरकार ने पैरामेडिकल काउंसिल का गठन करने का काम किया और जल्दी इसके तहत मिलने वाले फायदे भी देखने को मिलेंगे। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि स्वास्थ्य विभाग में जल्दी आरक्षण रोस्टर क्लियर होते ही 45,000 नई वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें पैरामेडिकल की भी बहाली शामिल रहेगी। लंबी आपकी एक मांग थी कि राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल बनाया जाए। मुझे जब भी कोई मिलता था पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ छात्र छात्रा, पहला उसका विषय ही होता था, सर मेरा काउंसिल कब बनेगा। तो मेरे भी मन में आता था ये बच्चे पढ़ते हैं, कोई तो अम्ब्रेला होना चाहिए जिस अम्ब्रेले के अंदर वो बच्चे रहें और वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको मान्यता मिले और वो अपना पूरा जीवन लगाते हैं, तो कहीं एक पहचान तो उसकी होनी ही चाहिए। तो मैंने उस काउंसिल को बनाने का काम किया जो आपकी एक चीर प्रतिष्ठित मांग थी। अब उसके जो और रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं उन सारे काम को भी हम आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो मैंने तो इसलिए बहाली निकाला था कि जो हमारे पैरामेडिकल के बच्चे हैं उनको 3,000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगा, और 3,000 को नौकरी मिलता है तो पीछे से 15,000 बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ मेरा भी नंबर आ सकता है। लेकिन मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं और ना मैं अपने पूर्ववर्ती मंत्री का नाम लूंगा, सब आप लोग जानते हैं मेरे पूर्व के मंत्री कौन थे। वायदा बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावा बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ना तो कभी गरीबों का कल्याण उन्होंने किया है बिहार में, ना कभी छात्रों का कल्याण उन्होंने किया है। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। बताइए, कोई निकाला हुआ नौकरी, निकाली हुई वैकेंसी कोई कैंसिल करता है क्या?
मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाने का मुद्दा इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान खूब गरमाया। ये वादा किया गया कि जल्द ही पताही में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने ये बताया कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है, लेकिन जमीन के रेट को लेकर लोगों में नाराजगी है। जल्द ही एयरपोर्ट बन जाएगा और साथ ही बाढ़ और सुखाड़ को लेकर जल्द विशेष बैठक कर स्थानीय समाधान किया जाएगा। एयरपोर्ट का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, सांत्वना तो मिल रहा है, लेकिन अब तक लोगों को उम्मीद नहीं जगी कि अभी भी बन पाएगा। नहीं नहीं, निश्चित रूप से उम्मीद काफी जगी है लोगों का, और लोग जो है अब तो देखिए जमीन अधिग्रहण के लिए भी आ गया है वहाँ से, और जमीन अधिग्रहण की जब बात हो रही है तो किसान को प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए कि जो रेट मिल रहा है उसमें उनको लग रहा है कि थोड़ा कम है, वहाँ पर जो स्थिति है मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम मिल रहा है, इसके कारण थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। कई बाढ़ग्रस्त इलाके हैं और आप जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उन इलाकों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी कई इलाके जो है वह जलमग्न है। देखिए मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जो जल की जो समस्या है, चाहे बाढ़ की समस्या हो या कुछ जगह में जो ग्राउंड वाटर लेवल फॉल कर गया है, सुखाड़ की जो समस्या है, उन सारे मुद्दों पर हम लोग विस्तृत रूप से एक दीर्घकालीन समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रालय से एक्सपर्ट लोग आ करके देख करके और इस क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालीन समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। जनसुराज की ओर से पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों को सभी ने ठगा है, जनसुराज किसी की रहनुमा नहीं बनाना चाहता, जनसुराज सिर्फ एक व्यवस्था है, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए बल्कि आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ से बिहार में अगर व्यवस्था बनी तो ये बिहार में ही नहीं रुकेगा। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज से वादा किया कि जनसुराज उनकी आबादी के हिसाब से न केवल उनको राजनीति में भागीदारी दिलाएगा बल्कि उनके बच्चों को राजनीति की ट्रेनिंग देने से लेकर उनको चुनाव लड़ाने का सारा खर्च भी करेगा। तो प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं है, आपका रहवर रहनुमा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपने हमको दुआ दी है, अब अपने अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, जनसुराज के पास भेजिए, पैसे का चिंता व्यवस्था का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। इस पूरे सभा में आपको साक्षी रखकर ये बता रहे हैं, अगर अपने समाज से किसी बच्चे को भेजोगे तो उसको प्रशिक्षित भी मैं करूंगा और जनसुराज के खर्चे पर चुनाव भी निश्चित तौर पर लड़ाऊंगा। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है, लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है, जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव गांव में ये मशवरे की मजलिस इसका आज आगाज कर रहे हैं। पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करते हुए श्याम रजक ने कहा कि उन्हें आरजेडी में घुटन हो रही थी, नीतीश कुमार के साथ काम करना श्याम रजक ने सौभाग्य बताया। मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। बिहार विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल हो, नेताओं के इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक एक बार फिर जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू ऑफिस में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा
और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू ज्वाइन करते हुए श्याम रजक ने कहा आरजेडी पर निशाना साधते हुए कि उन्हें वहां पर घुटन हो रही थी। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था। जेडीयू नेताओं ने भी पूरे गर्मजोशी के साथ श्याम रजक का पार्टी में स्वागत किया। एक बड़ा अपील श्याम जी का हमेशा इन सब वर्गों में रहा है, बड़ा काम रहा है, पुराने आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो जनता दल परिवार में मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज श्याम रजक की गिनती बिहार के बड़े दलित नेताओं के रूप में होती है। फुलवारी शरीफ से 6 बार विधायक रहे। श्याम रजक के सियासी सफर की शुरुआत लालू प्रसाद की पार्टी से हुई, हालांकि वो इसके पहले 2009 में भी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आ चुके हैं। श्याम रजक लालू राबड़ी सरकार के साथ नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। श्याम रजक के पार्टी ज्वाइन करने के बाद जेडीयू नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि और भी कई नेता उनके संपर्क में हैं। आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले भी कई लोग आए हैं, तो इस तरह से लोग आते ही रहते हैं और कई लोग जो है वो चाहेंगे कि आकर के ज्वाइन करें। श्याम रजक के जेडीयू में आने से खुद उनको कितना फायदा होता है और जेडीयू को कितना फायदा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है जो अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। टीवी चैनलों पर जेडीयू का चेहरा बन चुके केसी त्यागी अब न्यूज चैनलों पर कुछ कम ही दिखेंगे, क्योंकि केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। केसी त्यागी के स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। जहां तक हमारी नियुक्ति का सवाल है तो पार्टी ने पूर्व में भी जो भी जवाबदेही दी है उसको ईमानदारी के साथ मैंने पूरा करने का काम किया है, मैं आभारी हूँ। केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान भी सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केसी त्यागी ने व्यस्तता की वजह से पद से इस्तीफा दिया है और उनकी सूचना उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दे दी थी। यह उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनका पास समय की कमी है, इसलिए इस पद। जेडीयू की ओर से कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन सूत्रों की माने केसी त्यागी की विदाई का कारण उनके कई बयान बन गए जो अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थी। उनके बयानों के कारण एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आईं। केसी त्यागी के बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान इस्तीफे की वजह बना है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रोहतास को सौगात देंगे। सीएम नीतीश सड़क मार्ग से सासाराम के लिए पटना से निकलेंगे। इसके लिए डीएम और एसपी ने सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। सड़क मार्ग पर जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जेडीयू कार्यकर्ता अरवल में सीएम नीतीश का भव्य स्वागत करेंगे। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।